हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, डेली जी करेंट अफेयर्स। तो देखिए दोस्तों, घटना चक्र चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो देखिए, मैंने G20 के बारे में भी बता दिया हूँ, ब्रिक्स के बारे में भी बता दिया हूँ, चंद्रयान 3 के भी बारे में बता दिया हूँ, और PSLV के भी के बारे में बता दिया हूँ दोस्तों। तो जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, वो मेरा वीडियो देख लें दोस्तों। और तो आज देखिए, आज का जो टॉपिक है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो देखिए दोस्तों, आसियान, सबसे पहले देखिए आसियान, आसियान का फुल फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए जो पीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनसे आसियान का फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि इसको जरूर देखिए। तो देखिए, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है दोस्तों। और पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 8 अगस्त 1967 को की गई थी। कब की गई थी आसियान का? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। आसियान की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी, ठीक है। और फिर से देख लीजिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, इस संगठन की स्थापना इसके 5 संस्थापक सदस्यों द्वारा आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के द्वारा की गई थी। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि आसियान के 5 संस्थापक सदस्य कौन कौन है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है दोस्तों, ठीक। इसके बाद ब्रुनोई दारुसलम आसियान में 7 जनवरी 1984 को शामिल हुआ। तो देखिए दोस्तों, तत्पश्चात वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 को, लाओ पीडीआर और म्यांमार ने 23 जुलाई 1997, जबकि कंबोडिया ने 1997 को, जबकि कंबोडिया ने 30 अप्रैल 1999 को आसियान की सदस्यता ग्रहण की। अब देखिए, यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्तमान में आसियान देशों की संख्या कितना है? 10। यदि आपसे पूछा जाए कि आसियान में कितने मेंबर हैं या कितने सदस्य हैं, तो आपको कितना बताना होगा दोस्तों? 10, ठीक है ना। अगला देखिए, वर्ष 2022 में आसियान के नेताओं ने तिमोर लेस्ते के संगठन के 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी थी। अब देखिए दोस्तों, प्रारंभ में तिमोर लेस्ते को आसियान में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करके आसियान की सभी बैठकों में उसकी भागीदारी को अनुमति प्रदान कर दी गई। तत्पश्चात मई 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन तिमोर लेस्ते की पूर्ण सदस्यता हेतु रोड मैप स्वीकार किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन है, 43वां, 43वां है, 43वां। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, और कहां पे? बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में इसके कुल कितने मेंबर हैं? 10। और कहां किया गया था? देखिए, 2023 में इंडोनेशिया का 42वां था, वो कहां पर किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष भी शामिल है। इसमें क्या है? राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी शामिल होते हैं। आसियान शिखर बैठक में एक वर्ष में 2 बार किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको देखिए, आप लोग याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान शिखर सम्मेलन हर साल होता है, नहीं, आसियान शिखर बैठक का आयोजन एक वर्ष में 2 बार होता है। कितनी बार होता है दोस्तों? 2 बार होता है, ठीक। प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन 23 से 24 फरवरी 1976 को बाली में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, 1976 में। अब देखिए, वर्तमान परिपेक्ष की अध्यक्षता किसने किया था? इंडोनेशिया ने, ठीक है ना। और आयोजन स्थल कहाँ था? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ेगा? इंडोनेशिया में दोस्तों। 5 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी, और कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक। अब देखिए, वर्तमान परिपेक्ष में 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य, ठीक है ना, 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन एक संबंधित बैठकों का आयोजन जकार्ता,
जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ उससे संबंधित बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनमें कुछ प्रमुख बैठक निम्नवत है। 26वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? चीन में। 26वां आसियान शिखर सम्मेलन जापान। फिर देखिए 24वां आसियान शिखर आसियान कोरिया गणराज्य शिखर सम्मेलन, और तीसरा आसियान शिखर आसियान ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन। 20वां देखिए आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 11वां आसियान अमेरिका शिखर सम्मेलन। 26वां आसियान +3 शिखर सम्मेलन, आसियान कनाडा शिखर सम्मेलन। 13वां आसियान यूएनए शिखर सम्मेलन। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। अब देखिए दोस्तों आसियान की प्रमुख बैठकें, ठीक है ना। अब देखिए 26वां आसियान शिखर सम्मेलन जापान में मैंने ऊपर सब बता दिया था, ये फिगर से किया गया है। अगला देखिए 43वां जो इम्पॉर्टेंट है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो देखिए 5 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया, कहाँ पर दोस्तों? इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं 28-29 का पेट का, जो लोग एपीएस आरओआरओ जो पीसीएस आईएएस देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरूर देखें दोस्तों, ठीक है ना। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में। आप देखिए इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको जोको विडोडो द्वारा किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? आसियान मैटर्स और एप्रिसिएट्स ऑफ ग्रोथ। अगला देखिए इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंपी गई थी। अगला देखिए स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। देखिए 2024 में कौन अध्यक्षता करेगा? लाओ, ठीक है ना, लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलिंग नामक विषय पर केंद्रित रहेगी, ठीक है। अब देखिए 20वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर? देखिए आयोजन तिथि क्या है? 7 सितंबर 2023। अध्यक्षता किसने किया था? राष्ट्रपति राष्ट्रपति इंडोनेशिया। आयोजन स्थल कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। भारत के द्वारा 12 बिंदुओं पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत। अब देखिए यहां पर देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, देखिए राष्ट्रपति का नाम भी पूछ सकता है, जोको विडोडो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा किया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया दोस्तों। फिर देखिए 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया। अगला देखिए दोस्तों वर्ष 2022 में भारतीय आसियान आसियान संबंधों का व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्या क्या बात हुई थी? समुद्री सहयोग और देखिए खाद्य सुरक्षा, इसके लिए खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर दो संयुक्त वक्तव्य अंगीकृत किए गए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समयबद्ध रूप से आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा को पूरा किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया दोस्तों। अब देखिए 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जोको विडोडो। केंद्रीय विषय क्या था? आसियान मैटर्स एप्रिसिएट्स एपिसेट्रम ऑफ ग्रोथ, एपिसेट्रम ऑफ ग्रोथ। फिर देखिए साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए 12 बिंदुओं का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। देखिए क्या क्या है? मल्टी मेडल कनेक्टिविटी एवं आर्थिक गलियारे की स्थापना जो दक्षिण पूर्व एशिया भारत पश्चिम एशिया को जोड़ता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान भारत के साथ साझा करने की पेशकश।
डिजिटल भविष्य हेतु आसियान भारत की कोष की घोषणा। अगला देखिए दोस्तों, यह कोष डिजिटल रूपांतरण में वित्तीय कनेक्टिविटी सहयोग पर केंद्रित है। आसियान एवं पूर्वी एशिया के आर्थिक अनुसंधान संस्थान को प्रदत्त सहयोग के नवीनीकरण की घोषणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में स्थापित पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र में शामिल होने के लिए आसियान देशों को निमंत्रण। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देखिए, 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 8 वार्ता भागीदारों यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस तथा अमेरिका ने भाग लिया। साथ ही शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंदू प्रशांत क्षेत्र में आसियान केंद्रित तंत्रों में सर्वप्रधान है। वर्ष 2005 में इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद से ही इसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के मामले पर वार्ता एवं विचार विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य है तथा वह इस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला देखिए, तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित किए जाने की घोषणा किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुर्तगाल एवं इंडोनेशिया से देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष को याद दिलाता है। ज्ञातव्य है कि भारत और तिमोर लेस्ते के मध्य राजनैतिक संबंधों की स्थापना हेतु एक समझौता 24 जनवरी 2023 को किया था। तो दोस्तों देखिए, ये आसियान शिखर सम्मेलन था। तो आसियान शिखर सम्मेलन पीसीएस मेंस के सिलेबस में है दोस्तों, तो करेंट की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया, आसियान के बारे में बताया, G20 के बारे में बताया, वो भी डिटेल से एकदम, ठीक है। तो जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो, वो लोग भी मेरा वीडियो देखें दोस्तों और उसे एक शार्ट नोट्स तैयार करें। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है, अगला है कि प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा। तो देखिए ये आईआर की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत और ग्रीस संबंध, तो देखिए ग्रीस का आधिकारिक नाम हेलेनिक गणराज्य था। क्या था? हेलेनिक गणराज्य। कभी कभी पूछ सकता है कि हेलेनिक गणराज्य किसका नाम था, तो किसका नाम बताएंगे? ग्रीस का बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो भारत और ग्रीस के मध्य संबंधों की शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं दोस्तों। मौर्य राजाओं और ग्रीस के मध्य हुए व्यापार के प्रमाण उस समय के सिक्कों एवं रचनाओं से प्राप्त होते थे। मतलब कि मौर्य काल में जब हम लोग व्यापार करते थे तो वहाँ से सिक्कों एवं रचनाओं से प्राप्त हुए। दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। वर्ष 1950 में ग्रीस ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला, ठीक है, जबकि भारत ने वर्ष 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला। ग्रीस के एक नागरिक दिमित्रियोस गैलोनेश पहले यूरोपीय भारतविद थे जिन्हें वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उन्होंने संस्कृत की कई रचनाओं का ग्रीक अनुवाद किया। सितंबर 2000 में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिमित्रियोस और गैलानोस चेयर फॉर हेलेनिक स्टडी की स्थापना की गई। फिर देखिए दोस्तों, जनवरी 2002 में दिमित्रिस बेलिसा रोपोउलोस को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये पहले ऐसे ग्रीक नागरिक थे जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं और भारत की बेलिसा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रीक इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर निकोलस कजानास को पद्मश्री सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। द्विपक्षीय यात्रा देखिए, भारत की ओर से तत्काल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जून 2018 में ग्रीन की यात्रा किया था, ठीक है दोस्तों। यह 11 वर्षों के अंतराल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली ग्रीस यात्रा थी, ठीक। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2007 में ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। ग्रीस की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति कॉन्स्टैंटिनोस और स्टेफानो पाउलोस
ने वर्ष 1998 में भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। अब देखिए, ग्रीस के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोस्टास करमानलिस वर्ष 2008 में भारत की यात्रा पर आए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरिया कोस मित्सो ताकि इसके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। दोस्तों, यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा किया था। ठीक है ना, 1983 में ग्रीस की यात्रा किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न। अब देखिए यात्रा का विवरण क्या है। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। और शव यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेकला रोपोलोउ के मध्य बैठक आयोजित हुई। और शव यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत और ग्रीस संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। दोनों देशों एवं सुरक्षा और अवसंरचना, कृषि शिक्षा नीति एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के माध्यम से रणनीतिक भागीदारी को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य किया। दोनों देशों के मध्य कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर हुआ। अगला देखिए दोस्तों, दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। अब देखिए यात्रा का विवरण, दोनों देशों के मध्य कृषि क्षेत्र सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर क्या किए थे? श्रद्धांजलि अर्पित किए। अगला देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। पूछ रहा है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेकला रोपोलोउ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का पुरस्कार किस देश ने दिया है? तो ग्रीस। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, श्री मोदी का यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। क्या हैं? शासनाध्यक्ष। ठीक, शासनाध्यक्ष हैं। उल्लेखनीय है कि इस सम्मान की स्थापना वर्ष 1975 में थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है कि 25 अगस्त 2023 ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मान किया है। दोस्तों अब निष्कर्ष क्या आया, देखिए, प्रधानमंत्री को ग्रीस यात्रा भारत यूरोप वाणिज्यिक गलियारे की स्थापना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रगति हुई। उल्लेखनीय है कि इस गलियारे में हिंद महासागर क्षेत्र में पश्चिम एशिया एवं यूरोप के मध्य व्यापार गतिशीलता को नया आकार देने की संभावना विद्यमान है। ज्ञातव्य है कि ग्रीस भारत के महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदारों में से एक है और यूरोप एवं यूरोपीय संघ के बाजारों के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। दोस्तों ठीक, तो दोस्तों प्रधान की ग्रीस यात्रा मैंने आपके बता दिया हूं। दोस्तों डेट पूछ सकता है, और अब पूछ सकता है कि अभी हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? तो भारत। और भारत के प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो किस देश ने किया है? तो ग्रीस। और ये भी पूछ सकता है, टूम ऑफ द अनोल सोल्जर पर कहाँ पे मतलब कि श्रद्धांजलि अर्पित किए थे? तो ग्रीस। ठीक है दोस्तों, और आईआर की दृष्टि से भी जरूरी है। देखिए, कोई भी आप जैसे कि किसी चीज़ को भी पढ़ेंगे और लिखने जब इसका मेंस में लिखेंगे तो निष्कर्ष भी लिखना बड़ा जरूरी होता है, इसलिए मैं निष्कर्ष भी आपको बता दिया हूँ। आप देखिए, प्रथम एडीएम माइक्रोसाइट रुक जाए, देखिए छोड़ दो दोस्तों। देखिए, प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य सेवा परितंत्र के संदर्भ में डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पिछले कुछ वर्षों के दौरान अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। कोविन आरोग्य सेतु और ई संजीवनी जैसी डिजिटल सेवाओं ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया है। हालांकि देखभाल की निरंतर और संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए ऐसे संसाधन को एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 15 अगस्त 2020 को 6 केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली और दमण द्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की लगभग 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 वर्षों की अवधि हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन को मंजूरी मिली थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। ABDM के तहत नागरिक अपनी आभा का फुल फॉर्म देखिए पूछ सकता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आभा का फुल फॉर्म पूछ सकता है APS वाले, संख्या सृजित कर सकते हैं जिसमें उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। अब देखिए नागरिक डॉक्टर की सलाह, प्रयोगशाला रिपोर्ट, अस्पताल के रिकॉर्ड इत्यादि सहित अपने वर्तमान एवं नए चिकित्सकीय रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए ABH नंबर का उपयोग कर सकते हैं, ABH आभा, ठीक है दोस्तों। साथ ही वे इन रिकॉर्ड्स को पंजीकृत करके स्वास्थ्य पेशेवरों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं। स्पष्ट है कि ABDM को एक ऐसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के निर्माण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है जो कुशल, सुगम, समावेशी, वहनी, समयबद्ध, सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन कर सकता है। मिजोरम द्वारा आइजोल में ABDM माइक्रोसॉफ्ट को लागू करने हेतु यूथ फॉर एक्शन इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए ABDM माइक्रोसॉफ्ट परियोजना है क्या दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के स्तर पर लॉन्च होने के बाद से स्वास्थ्य सेवा में संलग्न विभिन्न हितधारकों इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आम जनता तक पहुंच स्थापित करने में लघु एवं मध्यम स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्हें त्वरित गति से इस मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ABDM के साथ इन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसॉफ्ट का विचार परिकल्पित किया है दोस्तों। इस परिप्रेक्ष्य में ABDM के अंतर्गत 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजनाओं को लॉन्च की गई है। अगला देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ABDM के अंतर्गत लाने के लिए केंद्रीकृत प्रयास किए जाएंगे। इससे ABDM का विस्तार देश भर की निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक काफ़ी मदद मिलेगी। माइक्रोसाइट ABDM के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों, स्वास्थ्य सुविधाओं का एक समूह है जो ABDM सक्षम है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये माइक्रोसाइट देश भर के विभिन्न राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी। माइक्रोसाइट का लक्ष्य एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक लघु पारिस्थितिक तंत्र करना है जहां ABDM को पूरी तरह से अपनाया गया है। प्रारंभ से अंत तक रोगी की संपूर्ण चिकित्सा यात्रा डिजिटलीकृत हो। तो देखिए 23 अगस्त 2023 को NHA द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम ABDM माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया गया दोस्तों, किसने, मिजोरम ने। अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम ABDM माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया है। लक्ष्य क्या है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक लघु पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना, ठीक है दोस्तों। एक मिजोरम,
इस प्रकार मिजोरम माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पूछ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला इस प्रकार मिजोरम एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके तहत इस क्षेत्र में निजी क्लिनिक, छोटे अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम सक्षम बनाया जाएगा एवं मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। मिजोरम ने आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व एनएचए द्वारा मुंबई, अहमदाबाद में सूरत माइक्रोसाइट्स प्रायोगिक परियोजनाओं को संचालित किया जा चुका है। मिजोरम के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने एबीडीएम माइक्रोसाइट्स के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। दोस्तों देखिए, एक शब्द मैं बार बार थोड़ा गलत कर दिया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। मैं माइक्रोसाइट्स को माइक्रोसॉफ्ट बोल देता था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। वो जो माइक्रोसॉफ्ट में बोलता था वो माइक्रोसाइट्स है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों गलती हर इंसान से होती है, तो मुझसे भी गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो माइक्रोसाइट्स है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट बोल दिया था। अब अगला देखिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 101% है आना। तो देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 है। वर्ष 2015 में विश्व के 193 देशों द्वारा महासभा में एक संकल्प के माध्यम से सतत विकास SDG, ठीक है ना, फ्रेमवर्क को अंगीकृत किया गया है। SDG फ्रेम में 17 वैश्विक लक्ष्यों द्वारा 169 उप लक्ष्यों को शामिल किया गया है। सभी जगहों से सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति ही सतत विकास का लक्ष्य 1 है। उप लक्ष्य SDG 1 2030 तक चरम गरीबी के उन्मूलन से संबंधित है। $1.5 प्रतिदिन से कम आय पर जीवन यापन करने वाले लोगों को माप चरम गरीबी है। उपलक्ष्य SDG 1.2 2030 तक बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम आधे की कटौती करने हेतु लक्षित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी को वर्ष 2010 में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कब शामिल किया गया, 2010 में। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला गैर मुद्री गरीबी सूचकांक है। इसके तहत 3 आयाम हैं, कौन कौन है दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर की आधार पर बहुआयामी गरीबी को मापा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बहुआयामी गरीबी किस आधार पर, मतलब कि इसको मापा जाता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुआयामी गरीबी। अब भारत सरकार ने GRIG ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड द ग्रोथ पहल के अंतर्गत वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को महत्व को स्वीकार किया है। GIRG पहल का उद्देश्य वैश्विक सूचकांकों में देश की प्रदर्शन एवं रैंकिंग में सुधार करना है, साथ ही इन सूचकांकों का एक उपकरण के रूप में लाभ उठाने के माध्यम से सर्वांगीण सुधार एवं विकास को गति प्रदान करना है। अब देखिए, प्रथम राष्ट्रीय MPI, ठीक है ना, देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना नेशनल MPI प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग का नोडल मंत्रालय है। MPI नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का प्रकाशन करने वाला एजेंसी OPHI तथा UNDP के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की उनके निष्पादन की आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का है। राष्ट्रीय MPI विकसित करने के मंत्रालयी प्रयास को संस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने MPICC का गठन किया है। प्रथम राष्ट्रीय MPI बेसलाइन रिपोर्ट डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
की आंकड़ों पर आधारित जिस वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए संकेतक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण तीन आयामों पर, मैंने शुरू में ही बता दिया था, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर में 12 संकेतों पर आधार किया गया है। इसमें से 10 संकेतक तो वही है जो वैश्विक MPI मॉडल में शामिल है, साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतक को भी जगह दी गई है। अब देखिए दोस्तों, यह है आपका आयाम। आयाम क्या है भारत के राष्ट्रीय मतलब की संकेतक का? तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, फिर इसके बाद क्या है, रहन सहन का स्तर। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आएगा, स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। स्वास्थ्य के अंतर्गत मान लीजिए पोषण, फिर बाल एवं किशोर मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु, यहाँ से IAS में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। शिक्षा में देखिए दोस्तों, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थित, और यहाँ रहन सहन में क्या आ जाएगा, खाना पकाने की प्रयुक्त ईंधन आ जाएगा, स्वच्छता आ जाएगा, पेयजल आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा, आवास आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगा, बैंक खाता आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपका है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा कि पोषण में किसी परिवार में 0 से 59 माह का कोई भी बच्चा, 15 या 49 वर्ष की महिला या 15 से 54 वर्ष का कोई पुरुष अल्प पोषित पाए गए। अगला देखिए बाल एवं किशोर मृत्यु दर, सर्वेक्षण के पूर्व 5 वर्ष की अवधि में परिवार में 18 से कम आयु के किसी भी बच्चे की मृत्यु हुई हो। मातृत्व स्वास्थ्य में देखिए, परिवार की किसी महिला को हालिया प्रसव के दौरान न्यूनतम 4 प्रसव पूर्व जांच न हुई हो। स्कूली शिक्षा के वर्ष, परिवार में 10 वर्ष या अधिक आयु के एक भी सदस्य ने 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूर्ण न की हो। अगला देखिए स्कूल में उपस्थित, कक्षा 8 पास करने की उम्र तक कोई स्कूल जाने योग्य बच्चा स्कूल न जा रहा हो। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, उपले लकड़ी या कोयले आदि से भोजन पका रहे हैं। स्वच्छता की स्थिति में न हो। पेयजल, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल पहुँच न हो। अगला देखिए विद्युत की उपलब्धता न हो। आवास, कच्चे या अल्प विकसित आवास में निवास करते हों। संपत्ति, रेडियो, TV, फ्रिज, टेलीफोन, बैलगाड़ी, कंप्यूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल से अधिकतम एक का ही स्वामित्व हो। बैंक खाता, किसी भी सदस्य की कोई बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस खाता न हो। वर्तमान में देखिए दोस्तों, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा जारी की जाती है। याद रखिए दोस्तों, पूछ सकता है और पूछा भी है इस बार कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग। ठीक है ना, इस रिपोर्ट की द्वितीय संस्करण है। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। इस रिपोर्ट में राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इनमें से NFS के मध्य बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तन को भी दर्ज किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। और प्रमुख परिणाम रिपोर्ट के अनुसार NFHS और NFHS 5 के मध्य सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अगला देखिए दोस्तों, वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी को मुक्त हुए लोगों की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। अब देखिए वर्ष 2015-16 में बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या 24.85 थी, जो वर्ष 2019 और 2021 में कितना हो गई दोस्तों? घटकर 14.96। स्पष्ट है कि बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या 9.89 का उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी कितना है? 32.59 से घटकर 19.28 हो गया है। समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 8.65 से घटकर 5.27 हो गई है। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2019-21 के मध्य भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, 0.117 से घटकर 0.66 हो गया है। और यहाँ पर दिया है दोस्तों कि सद रिपोर्ट से यह प्रदर्शित होता है कि भारत वर्ष 2023-30 में की निर्धारित समय सीमा काफ़ी पहले SDG लक्ष्य को प्राप्त करने में दिशा में अग्रसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, तो ये आपका था गरीबी में। अब गरीबी में देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, रैंकिंग दिया है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष कौन कौन से देश हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी वाले?
तो देखिए बिहार है पहले नंबर पे, फिर झारखंड है, फिर मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले मतलब कि कौन से राज्य हैं, तो बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला राज्य है। अगला देखिए, बहुआयामी गरीबी लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में दर्ज की गई है दोस्तों, ठीक है। मध्य बहुआयामी गरीबी देखिए कहाँ कहाँ है, मध्य, अगर आपसे पूछा जाए मध्य बहुआयामी गरीबी, तो देखिए बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है। और सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य कौन कौन हैं, तो देखिए सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले अररिया, पूर्णिया, सुपैल और सहरसा और मधेपुरा। बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला कौन है, छोड़िए इसको, न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले सिवान, मुंगेर, रोहतास, पटना, गोपालगंज है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पिछड़ा राज्य, अग्रणी राज्य, तो देखिए पोषण में कौन सा पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार है, अग्रणी राज्य कौन है, सिक्किम। अब देखिए बाल एवं किशोर मृत्यु दर में पिछड़ा जिला कौन सा है, बिहार, और अग्रणी राज्य कौन है, केरल। मातृत्व देखभाल में बिहार पिछड़ा हुआ है, गोवा सबसे आगे है दोस्तों। स्कूली शिक्षा के वर्ष में बिहार सबसे पीछे है और केरल सबसे आगे है। स्कूल की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश नंबर वन, सॉरी, स्कूल की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है दोस्तों, केरल नंबर वन पे है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन झारखंड में पिछड़ा हुआ राज्य है और गोवा अग्रणी राज्य है। स्वच्छता में बिहार पिछड़ा हुआ है और केरल नंबर वन पे है। पेयजल में मणिपुर पिछड़ा हुआ है और गोवा अग्रणी राज्य है। विद्युत में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, गोवा अग्रणी राज्य है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोग उत्तर प्रदेश में PCS, RO और APS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो करंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन हैं, बहराइच, श्रावस्ती है। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन हैं, गाजियाबाद और लखनऊ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको याद रखिए दोस्तों, गाजियाबाद, लखनऊ, फिर इसके बाद देखिए कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन हैं, बहराइच है और श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बदायूं है, सीतापुर है। और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद दोस्तों।